Hello aspirants, coming to the second session Ncert Redefined. अभी तक मैं तीन chapters के लिए upload कर चुका हूँ, biomolecules, polymers and solid states. This is the fourth chapter, solutions from the family of physical chemistry. So starting the session, wasting no time. So solutions में coming to the first phase, you should know these things, that what is German silver, what is brass and what is bronze. And you will find this line in also, that environmental chemistry at 1.5 ppm of fluorides ion concentration. So there is nothing to learn here. What are solution, homogeneous mixture, and you should know that this type, that largest quantity is known as solvent. Yes, please go through the examples. Well, examples have not been came till now, but you should know what is gas in solid means. What is liquid in solid means, because the chances are there that amalgam could be asked also. Liquid in solid is amalgam. And from here, this all you have known, but these points you should write, that bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochloride in UCL. And volume percentage also, there is one main thing, antifreeze, ethylene glycol 35% volume by volume. एंड ऑल ये सब आपको याद होगा. ये आपको याद रखना है कि ये फार्मेसी में कौन सा यूज होता है, वेट मास बाय वॉल्यूम. दिस यू शुड नोट दैट मेडिसिन एंड फार्मेसी में मास बाय वॉल्यूम यूज होता है. यू शुड ऑल्सो फाइंड दिस इन मैनी मेडिसिन ऑल्सो, सिरप्स, पार्ट्स पर मिलियन, सी ऑल दिस मोल फ्रैक्शन, और ओनली गो थ्रू फॉर्मूलाज फॉर दिस पार्ट एंड यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. मोलारिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. देयर यू give emphasize that here is solution in liter and here is solvent in kg, solvent only, there is no solution here. Also that this molarity is a function of temperature, because volume is, and all you should know this point, that molarity is a function of temperature. Coming to the most important part, so here 2.3.1 solubility of a solid in liquid. Ye aapko pura yaad hona chahiye, isme each atmosphere pressure temperature ke sath kaise change hota hai solubility. 2.3.2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ही आता है आपका हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज कॉन्स्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस है. एंड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो चैप्टर्स में, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, एंड ऑल्सो दैट आई दैट इज गिवन इन द लास्ट पार्ट. ये हेनरीज लॉ वाला तो पार्ट आप सबसे पहले एकदम अच्छे से पढ़ लेना, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉलिड. एंड ये 2.3.1, 2.3.2. इसमें ये सब टेबल में से कोई याद करने की जरूरत नहीं कि कौन से टेम्परेचर पे किसका के एच होता है, ये सब कुछ नहीं आएगा. इस पर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये सब तो हो गया, हेनरीज लॉ वो सब पढ़ना है. 2.4.1 यहाँ पे आता है आपका राउल्ट्स लॉ, ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 राउल्ट्स लॉ आपको पूरा का पूरा पढ़ना है कि इसका रिलेशन कैसे आता है. ये आप फुल का फुल एक एक फॉर्मूलाज तो याद कर देना कि कैसे निकाले गए. एंड 2.4.2 ये तो बस एक दिखाया गया कि एक कौन सा केस में ये राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस ही बन जाता है. एंड कमिंग टू वेपर प्रेशर, सो यस, ये ग्राफ आपको पहले पढ़ना इतना कोई ज़्यादा सेंस है नहीं, बट जो ये काम है आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल, इसके लिए मैं कहूँगा अगर आप जेई एडवांस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सॉल्यूशंस के नाम है इनको आप याद रख लीजिएगा. एंड ऑल ये सब भी कि इसके अंदर डेल्टा एच इक्वल्स टू जीरो होता है आइडियल में, इसमें नॉन जी, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है और एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती है मिक्स करने के बाद. वही नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन है, इनके ग्राफ याद कर लीजिए एंड इनके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए. एंड यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए कि ये क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एसीटोन के साथ बनाता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन होता है. कमिंग टू एजियोट्रोप, सो एजियोट्रोप दो होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग. सो यू शुड, व्हाट यू हैव टू डू, इसमें आपको ज़रूरी है अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये नाम याद होना. एंड जहाँ भी आपको ऐसा दिखे कि भाई यहाँ पे कुछ कंसर्न न्यूमेरिकल चीज़ें दी हो, तो ऐसे टेम्परेचर याद करना तो ज़रूरी नहीं है, बट ये सब जरूरी है कि आप ये सब समझ लें कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर भी एक अजियोट्रोप होता है, उसमें ज़्यादा नाइट्रिक एसिड होता है, उसका सब समझ लीजिए. कमिंग टू कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज, सो आर एल वी पी आता है सबसे पहले.
इसके अंदर आप अगर आई विल से कि आपको सिर्फ फॉर्मूलेज पे ये फॉर्मूले पे रिलाई करेंगे तो ये बहुत आसान है। इससे आई थिंक एक बार जी एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है आरएलबीपी पे कि डेल्टा पी वन अपॉन पी नॉट, ये डेल्टा पी को लिखा गया है एंड इट्स इक्वल टू एक्स टू वेयर एक्स टू इज डिफाइंड अबव दैट मोल फ्रैक्शन। सो ये आप याद रख सकते हैं RLVP and relative loading of vapor pressure. So, mole fraction होते हैं solute के। यही बस आपको एक point याद रखना है and this is used as a question जहाँ GA advanced में question आया था उसमें यही point use करना था। Coming to elevation in boiling point, ये दूसरा है जिसमें आपको KV का काम आएगा and all आपको इसमें करना क्या है, बस यही delta TB equal to KBM। JE mains के point of view से सबसे most important कि delta TB is KBM, जहाँ पे डेल्टा टी वी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी होता है आपका एल्यूबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। एंड कमिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई डोंट थिंक ग्राफ पे कोई क्वेश्चन बनेगा, सो ग्राफ पे आप ज़्यादा पॉइंट ना भी दे, बट अगर आप ये फॉर्मूलाज याद रखें कि टी एफ होता है के एफ एम वेयर एम इज मोडालिटी एंड ऑल, नथिंग मोर इज टू डू। कमिंग टू फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे आई डोंट थिंक ऑस्मोटिक प्रेशर पे ऐसे कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आया, बट यस डेट osmotic pressure pi equal to CRT, this formula is most important. This is the concentration. यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि hypertonic, hypotonic की definition होती क्या। I think the edema word is in the paper. Well, you should go through this once कि कौन से क्या होता है, मतलब cases क्या होते हैं कि जैसे कि अगर बैक्टीरियम को ऑस्मोसिस में क्या होता है, इस पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पूछ दे कि बैक्टीरियम को सॉल्टेड वाटर में रख दिया, ये पफनेस हो गया तो पफनेस हाइपोटोनिक में होगा हाइपरटोनिक में होगा, क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम। रिवर्स ऑस्मोसिस की आप तो जानते हैं अपने प्यूरिफिकेशन में यूज होता है एंड हाउ इट इज डन ये आप समझ सकते हैं, बस प्रेशर अप्लाई करना होता है एंड नथिंग। कमिंग टू दिस एबनॉर्मेलिटी, यानी एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें आपको आई जो होता है इसको याद रखना है, बस नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 60 मास दिया है बट वो दिखा 120 रहा है, तो वो आयरन का फैक्टर कितना है एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट, अगर आई का फैक्टर बड़ा है मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन का वो टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है अगर आई ज़्यादा है तो, एंड आई अगर कम है मतलब वो टूट नहीं रहा है। यहीं पे बस वो अपन ने जो आरएलवीपी करा था यहाँ पे वो आई का फैक्टर शो हो रहा है, नथिंग एल्स। एक की क्वेश्चन दिया गया उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आई होता है अपने वेंट ऑफ फैक्टर। सो आप अगर एक्सरसाइज की बात करें सो ये कर सकते हैं कि एक बार मोलारिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड वन ऑफ द टू, या आपने बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए मोलारिटी और मोलारिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। कमिंग टू सेकेंड थिंग कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या होगा, अगर आप अल्कोहल और वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, मतलब कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा, कैसा डेविएशन शो करेगा। कमिंग टू थर्ड, यहाँ से आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये आपके आरएलडीपी एंड ऑल उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इनको करने में अराउंड 20 to 25 minutes लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। यहाँ पे एक आपको मेन चीज जो मैं बताया था ये अभी तक पूछा नहीं गया, बट नेलोरफ्रीन का आपको मॉलिक्यूलर मैंने स्ट्रक्चर दिया गया है कि उसका रिटर्न स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नेलोरफ्रीन इज C19H21NO3। सो ये आपको बस याद रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए सो यू शुड नो अबाउट नेलोरफ्रीन दैट इज C19H21NO3 एंड दिस ऑल्सो यू कैन सॉल्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल। सो सॉल्व अराउंड लास्ट, इसमें जो लास्ट लास्ट पार्ट के उन्हीं को सॉल्व कर ज़्यादा कीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू कवर दिस चैप्टर ईजिली। No issues with this chapter. Very easy questions are being asked and all are from NCERT. अगर आपको कोई issue है कि NCERT से हो जाएगा तो please please last 2 years के questions देखिए and you only decide. So thank you for watching the session. I will be coming up with new videos soon. Thanks and best wishes for exam.